गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार गुप्ता ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर चंद्रशील में आप सबका स्वागत करता हूँ। यूपीएसआई का रीजनिंग में जो टॉपिक मैंने आज लिया है वो ब्लड लेसन है और जिसका लेक्चर वन जो है आपके सामने आ रहा है, और इसको हम उसी बेस को मैंने माना है जो पिछले साल यूपीएसआई के पेपर में जिस प्रकार से ब्लड लेसन के क्वेश्चन बने हैं उन सभी प्रकार के प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं कि ये जो ब्लड लेसन होता है इसमें हम कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और ये ब्लड लेसन होता क्या है। पहली बात कि जो ब्लड रिलेशन होता है दोस्तों, ब्लड रिलेशन, ब्लड और रिलेशन, ये जो चैप्टर है आपको मैं बता दूं कि इससे टोटल जो है तीन प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहले प्रश्नों के प्रकार समझ लीजिए क्या क्या पढ़ना है। ब्लड रिलेशन में पहला जो प्रश्न बनता है पहले टाइप का वो GBR बनता है। GBR इसको मैं पूरा नाम देता हूँ, जनरल ब्लड रिलेशनशिप का मतलब ये होता है। देखिए GBR इसका मतलब ये होता है कि एक फैमिली के बारे में बताएगा कि ए बी का पिता है, सी डी का मामा है, एम ओ का भाई है। इस प्रकार से इसमें जो है केवल एक इस प्रकार का ट्री जो है आपको बनने को दिखेगा जिसमें ए बी का भाई है तो ए बी का भाई, बी सी का पिता है तो बी सी का पिता हो जाएगा, सी डी की बहन है तो सी डी की बहन, और डी ओ का पिता है तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार से संबंध जो है हम GBR में सीखेंगे, जो एक ट्री पर आधारित होगा, बेसिक ट्री। ये जो ट्री बनेगा वो बेसिक रिलेशनशिप पर आधारित होगा। और दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों वो बनता है कोडेड ब्लड रिलेशनशिप। दूसरा जो बनेगा वो बनेगा CBR, इसको हम बोलेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन। ओके, इसमें क्या होता है कि सीबीआर को क्यों मैंने बोला कोडेड ब्लड रिलेशनशिप, इसमें जो है बोलेगा प्लस स्टैंड्स फॉर फादर, माइनस स्टैंड्स फॉर मदर। इस प्रकार से जो है कोड कर देगा, रिलेशनशिप को कोड कर देगा और आपके सामने एक इक्वेशन दे देगा ए प्लस बी गुड़े सी भाग डी माइनस ई। तो आपको ए से ई में संबंध पूछ सकता है, ए से सी में पूछ सकता है, किसी का भी संबंध पूछा जा सकता है। तो ये जो टॉपिक बनेगा CBR के अंतर्गत बनेगा, कोड करके पूछेगा, ठीक है दोस्तों। और तीसरा जो हमारा टॉपिक बनेगा दोस्तों वो बनेगा DBR। जो तीसरा टॉपिक बनेगा वो DBR पे हम सीखेंगे, DBR क्या होता है, डायरेक्टिव ब्लड रिलेशन। ओके, अब DBR का मतलब, ये डायरेक्टिव ब्लड रिलेशनशिप होता क्या है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि डायरेक्शन, डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन, इसमें जो है डायरेक्शन देगा, एक फोटो बना देगा और बोलेगा एक आदमी एक पुरुष की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए या एक महिला के तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए वो बहुत से संबंधों को बताएगा कि एक आदमी एक पुरुष की तस्वीर, ये जो तस्वीर है मेल का है, एक आदमी एक पुरुष की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरी बहन के पिता के लड़के का भाई है। इस प्रकार से जो है जो क्वेश्चन बनते हैं वो DBR के अंतर्गत बनते हैं। और तीनों हम प्रकार के क्वेश्चन आपको इस ब्लड लेसन में हम सिखाएंगे एक एक करके। तो चलिए आज जो है इसके कुछ बेसिक टर्म को सीख लेते हैं, ब्लड लेसन के बेसिक टर्म हम कैसे टैकल करेंगे इस प्रश्न को। सबसे पहले रिलेशन को मैं डिराइव करता हूं। रिलेशन जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हम संबंध
स्थापित कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। ओके, रिलेशन कभी भी बनेगा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ही बनेगा, कभी अकेले कोई व्यक्ति कोई संबंध बना नहीं सकता है दोस्तों। और दूसरा जो टर्म है, हम ब्लड रिलेशन में प्लस को मेल समझेंगे, मेल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस से, और माइनस रिप्रेजेंट करेंगे फीमेल को, फीमेल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस से। ये दो बेसिक टर्म को समझना होगा, प्लस मतलब मेल और माइनस मतलब फीमेल। आगे बात आती है, आगे आइए देखते हैं इसके टर्म्स को कैसे पहचानेंगे। जनरेशन, तीसरा जो टर्म है जनरेशन, जनरेशन क्या होता है, पीढ़ी, और पीढ़ी कितने सीखेंगे, 0, 1, 2 और 3, तीन पीढ़ी को हम सीखेंगे। पहला, अगर 0 GP है, 0 GP का मतलब 0 जनरेशन का गैप है, तो उसको हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें कौन कौन लोग आते हैं, ब्रदर आते हैं, ब्रदर आते हैं, सिस्टर आते हैं, हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, ये जितने भी आएंगे वो 0 जनरेशन के गैप में आएगा। जैसे ब्रदर सिस्टर 0 जनरेशन गैप, हस्बैंड वाइफ 0 जनरेशन गैप, मदर एंड फादर 0 जनरेशन गैप। तो 0 जनरेशन के गैप को हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट है 1 जनरेशन गैप। 1 जनरेशन के गैप को हम एक वर्टिकल लाइन से दर्शाएंगे। जैसे क्या, यहां यदि सन होते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, फादर, और फादर को प्लस से, सन को भी प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, आपको भूलना नहीं है। चलिए, अगर मैं 2 जनरेशन के गैप की बात करूं, 2 जनरेशन गैप, तो 2 वर्टिकल लाइन से दर्शाएंगे। ओके दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं ए बी, और ये क्या हो गया, सी, बी जो है पिता है किसका, ए का। अब बी पिता है ए का तो बी प्लस होगा, लेकिन ए का पिता है तो ए डिफाइन नहीं है कि ये प्लस होगा कि माइनस, लड़के का भी पिता हो सकता है, लड़की का भी पिता हो सकता है। चलिए, सी प्लस कर लिया, इसका मतलब बी का पिता कौन हो गया, सी। तो सी और ए के बीच में 2 जनरेशन का गैप है, 1 जनरेशन और 2 जनरेशन। तो सी का ए जो है, सी का ए जो है क्या लगेगा, पोता लगेगा, क्या लगेगा, पोता लगेगा या पोती लगेगी। अगर प्लस होगा तो पोता, आप माइनस होगा तो पोती लगेगी। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार के 2 जनरेशन गैप को हम 2 वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, चलिए आगे आते हैं। 2 जनरेशन गैप आपको सिखा दिया। तीसरा होता है 3 जनरेशन गैप। 3 जनरेशन गैप को हम 1, 2 और 3 जनरेशन गैप से दर्शाएंगे। जैसे मान लीजिए, एक का पिता बी है, बी का पिता सी है, और सी का पिता डी है। दोस्तों, अगर डी और ए के बीच में मैं संबंध स्थापित करने की बात करूं, तो ये कहलाएगा ग्रेट ग्रैंड फादर। ये ग्रेट ग्रैंड फादर है किसका, ए का, ये ग्रैंड फादर है, और ये कहलाएंगे फादर। ओके दोस्तों, इस प्रकार से 3 जनरेशन गैप को मैंने आपको आपके सामने प्रस्तुत किया, 0, 1, 2 और 3। अब बात बढ़ती है कि और क्या क्या सीखना है आपको। मैं बता दूं, जो 5वां पॉइंट है वो हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ को हम एक क्लोज एरो से दर्शाएंगे। हस्बैंड वाइफ को किससे दर्शाएंगे, एक बंद तीर की सहायता से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिलेशन
अब रिलेशन कितने बन सकते हैं उनको मैं समझा दूंगा। चलिए मान लेते हैं ए पिता है बी का, ए क्या है पिता है बी का, तो ये फादर हो जाएगा ओके, और बी की जो मम्मी है वो सी है, तो इनको जो है मदर बोल दिया, ये मदर बोल दिया। ठीक है दोस्तों, अब याद रखिएगा ए के जो ऊपर होंगे वो अगर ए बी सी, ये डी होगा और ये प्लस, तो ये जो है ग्रैंडफादर कहलाएगा ओके दोस्तों। अगर इनकी वाइफ है मदर, ई मान लेते हैं, ये मदर है, किसकी मदर, ए की मदर, तो ये कहलाएंगी ग्रैंड मदर। ये जो सारा रिलेशनशिप मैं मान रहा हूं वो बी को मैं मान रहा हूं, बी को लेकर के मैं दे रहा हूं, ए फादर कहलाएगा, सी मदर कहलाएंगी, डी जो है ग्रैंडफादर कहलाएंगे और ई जो है मदर कहलाएंगे, कौन सी किसकी मदर, ए की मदर और बी की जो है ग्रैंड मदर कहलाएंगे ओके दोस्तों। ठीक है, अगर इनका कोई भाई होता है तो सेम जनरेशन में होगा और उसको मैं एफ मानता हूँ, अगर ए का कोई भाई है तो वो अंकल कहलाएगा, क्या कहलाएगा दोस्तों, अंकल कहलाएगा। वैसे तो ये पापा के रिश्ते हैं तो पैटर्नल अंकल भी बोला जा सकता है, कि जनरली अपने भाषा में हम इनको अंकल बोलते हैं। ठीक है, अगर एफ की कोई बहन है, एफ की कोई क्या है बहन है जी, तो ये कहलाएंगे आंटी कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे आंटी कहलाएंगे। यदि मैं जी को एफ का वाइफ मान लेता हूँ, यदि मैं जी को एफ की वाइफ मान लेता हूँ तो भी ये आंटी ही कहलाएंगे। ये तो रहा एक जनरेशन के ऊपर का, कितने जनरेशन का गैप है, एक जनरेशन का, और यहाँ पे कितने जनरेशन का गैप है, दो जनरेशन का, एक गैप दो गैप ओके दोस्तों। ठीक है, अब मान लीजिए इनका कोई लड़का होता है जो ई कहलाता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मान लेते हैं इनका कोई लड़का हुआ, एफ का कोई लड़का हुआ, तो इन दोनों का जो बीच संबंध बनेगा ये कजिन कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे कजिन कहलाएंगे ओके दोस्तों। इतनी बातें समझ में आई, चलिए आगे का ट्री जो है मैं मम्मी के रिश्ते बताने वाला हूँ, कि अभी तो मैं पापा से जितने रिश्ते जुड़े थे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे मैं आपको मैं मम्मी के रिश्ते बताने वाला हूँ, कि मम्मी से जो संबंध बनेगा उनसे हम को किस किस प्रकार के रिश्ते का जन्म होता है। चलिए देखिए, यही मैं बताया था ए सॉरी बी, और यहाँ जो है मैं सी मान लेता हूँ, मम्मी है, और यहाँ इनके हस्बैंड बी मान लेता हूँ, सी मम्मी हो गई। मम्मी के यदि फादर होंगे, मम्मी के यदि फादर मान लेते हैं मैं डी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ डी मान लेता हूँ, तो ये कहलाएंगे मैटरनल, मैटरनल ग्रैंड फादर ओके दोस्तों। डी जो है अगर सी के पापा हैं तो ये बी जो है इनको मैटरनल ग्रैंड फादर बोलेगा, और यदि मदर होंगी, अगर मदर होंगी तो इनको जो है मैटरनल ग्रैंड मदर बोलेगा। इतनी बातें समझ में आई, मम्मी के जितने भी रिश्ते होंगे उसके आगे हमें ये मैटरनल शब्द जरूर लगाना होगा दोस्तों। अब देखिए सी का कोई भाई होगा, मान लेते हैं ये डी मम्मी ई हो गई, ठीक है, तो एफ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एफ मान लेते हैं, तो इनको जो है वो अंकल बोलेगा, क्या बोलेगा अंकल बोलेगा, लेकिन इससे पहले अंकल बोलने से पहले क्या लगा देगा, मैटरनल अंकल लगा देगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मान लीजिए एफ की कोई वाइफ है, एफ की वाइफ है जी, तो इनको बोलेगा मैटरनल आंटी, मैटरनल आंट बोलेगा ओके दोस्तों, मैटरनल आंटी बोलेगा। और अगला स्टेप में मैं मान लेता हूँ कि यदि इनका कोई लड़का होता है, इनका कोई यदि लड़का होता है जिसको मैं जे मान लेता हूँ, तो ये एक दूसरे के कजिन कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे कजिन कहलाएंगे दोस्तों।
ये तो संबंध रहा, मम्मी के जितने रिश्ते आए वो मैंने आपको समझा दिया। चलिए आगे देखते हैं, आगे के जो रिश्ते हैं पहले आप उसको क्लियर करते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये जो ए है, ए का पत्नी सी है और दोनों को क्लोज एरो से दर्शाएंगे, तो एक दूसरे के संबंध को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए सी का कोई भाई डी है, सी का भाई क्या है, डी है, तो ए जो है इसको बोलेगा सी का ये क्या लगेगा, ब्रदर लगेगा। लेकिन जब ए जो है डी को बोलेगा तो ब्रदर तो बोलेगा ही, लेकिन साथ में इल्ला लगा देगा। क्या लगा देगा दोस्तों, इल्ला। उसी प्रकार सी के पापा को फादर, सी जो है फादर बोलेगी, लेकिन जब ए बोलेगा तो ये फादर इन ला बोलेगा, फादर इन ला बोलेगा। सी की मम्मी है, अगर सी की यदि मम्मी है तो सी इनको मम्मी बोलेगी, लेकिन ए जो है मदर इन ला बोलेगा। ओके दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ रही, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं। चलिए आगे और समझाते हैं। मान लीजिए सी की कोई बहन हो गई, डी बहन है, तो ये इनको सिस्टर बोलेंगी, लेकिन ए जो है सिस्टर इन ला बोलेगा। ओके दोस्तों, ये सारी कंडीशन समझ में आ रहा है। अगर मैं कहूं कि ए का कोई भाई है ई, तो ये इनको ब्रदर बोलेगा, लेकिन सी दोस्तों ब्रदर इन ला बोलेगी। ये सब टर्मिनोलॉजी है, एक एक करके मैं सारे रिश्ते आपको समझा दूंगा। अभी तक जितने रिश्ते मैंने बताया वो इंग्लिश में बताया, और जैसे जैसे आपका प्रयोग होता रहेगा हिंदी में भी मैं बताता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में क्या होता है कि सीखना बहुत ही आसान होता है। कुछ ही रिश्ते हैं जो इंग्लिश में हम छोटे से भाग को लेंगे ना तो उसका मतलब बहुत होता है। जैसे अभी आपको बताया अंकल, अब अंकल शब्द लगाया तो अंकल मतलब फूफा भी होता है, चाचा भी होता है, मामा भी होता है, मौसा भी होता है। हिंदी में चार सीखेंगे लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक सीखेंगे, क्या, अंकल सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए आपको कुछ रिश्ते मैं हिंदी में एक एक करके बताता रहूंगा। पहला टॉपिक मैं चूज करने जा रहा हूं, पहला जो टॉपिक है, पहला प्रश्न जो मैं लेने जा रहा हूं वो लेने जा रहा हूं डीबीआर सीखने के लिए दोस्तों क्या सीखना पड़ेगा। सबसे पहले डीबीआर का मतलब होता है निर्देश जो देता है वो दो प्रकार के होते हैं, या तो निर्देश देने वाला प्लस होगा या तो निर्देश देने वाला माइनस होगा। दोस्तों तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूं कि कैसे इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए प्रश्न मैं आपके सामने पहले लिखना चाहता हूं कि डीबीआर में हम किस प्रकार के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। लिखता है सीता एक पुरुष की तस्वीर के तरफ इशारा करते हुए कहती है, देखिए क्या बोल रहा है, सीता एक पुरुष की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि, अब यहीं से आपको बताएगा क्या कहती है कि वह मेरे भाई के पिता का इकलौता पुत्र है।
ओके। देखिए एक छोटा सा कथन मैंने आपके सामने लिखा है कि वह मेरे भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। एक शब्द आया यहाँ इकलौता, ओके। इसको मैं अभी समझाऊंगा, तो बताइए सीता का उस तस्वीर से क्या संबंध है। ओके दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे शुरुआत करते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताना चाहता हूं। कैसे सोचेंगे, वह से शुरू नहीं करेंगे। स्टेटमेंट कहां से शुरू हुआ है, मेरे भाई का मतलब, दोस्तों देखिए ध्यान से, मेरे भाई मतलब लड़की है माइनस, और तस्वीर है पुरुष का प्लस का, तो लड़की माइनस है, यही मेरे भाई मतलब इसका भाई हो गया। ओके दोस्तों, ये नरेटर मतलब वक्ता यही बोल रही है, मेरे भाई के पिता एक जनरेशन ऊपर जाएगा का, वह मेरे भाई के पिता का इकलौता पुत्र का मतलब सिर्फ एक ही पुत्र होगा, इनका सिर्फ एक ही पुत्र होगा, दो पुत्र नहीं होंगे, बहन चाहे कितनी भी हो सकती हैं। तो देखो, वह मेरे भाई के पिता का इकलौता क्या है, पुत्र है, इसका मतलब यही तस्वीर है। और बोल रहा है कि ये जो सीता है, सीता का इस लड़के से क्या संबंध है, तो सीता क्या लगेगी, बहन लगेगी दोस्तों, क्या लगेगी, बहन। एक बार मैं आपको बता दूं कि कैसे हम ट्री बनाएंगे, बस आपको एक छोटा सा एग्जांपल की सहायता से मैं समझाना चाहता था। क्या बोली है सीता, देखिए ध्यान से देखिए। अब मैं आपको बताऊंगा, DBR में एक वक्ता होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा, इसको नरेटर बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तस्वीर भी हो सकता है, ठीक है, या जिसके तरफ इशारा करेगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब नरेटर क्या है, माइनस है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्लस है। स्टेटमेंट की शुरुआत किससे हुआ है, स्टेटमेंट की शुरुआत नरेटर से हुआ है, कैसे हुआ है, वह मेरे भाई मतलब कौन, सीता है माइनस, इसका भाई हो गया ये। ओके दोस्तों, भाई का ये पिता हो गया प्लस, और पिता का इकलौता पुत्र, फिर से ये प्लस की बात कर रहा है, इसका मतलब सीता जो है वो क्या लगेगी, बहन लगेगी। बच्चों आपको मैं बता दूं, ये जो सीता भाई और पिता लिखा गया है ना, ये नहीं लिखेंगे किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में, हमें वो अपने दिमाग में रखना है, कैसे बनाना है, मेरे सीता का भाई के पिता का इकलौता पुत्र। तो सीता क्या लगेगी दोस्तों, तो जो तीर बनाइएगा, जिसको पूछेगा ना उसके तरफ तीर बनाइएगा, मतलब इसका संबंध नहीं पूछ रहा है, सीता क्या लगेगी, तो सीता क्या लगेगी, बहन लगेगी। दोस्तों आज मैंने ब्लड रिलेशन का केवल टर्मिनोलॉजी बताया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं DBR के 5 प्रश्न आपको कराऊंगा, इसके बाद ठीक है, इसके बाद एक एक करके सारे टर्म्स को आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। दोस्तों पहले वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो है केवल मैंने टर्मिनोलॉजी को बताया है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।